नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। संत गुरु तिलक साहब की 16वीं पुण्यतिथि 13 फरवरी को सत्संग यज्ञ भंडारा के साथ संपन्न हुई। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से। संत गुरु तिलक सेवा संस्थान संत कबीर आश्रम पचखोरा बलिया में संत गुरु तिलक साहब की 16वीं पुण्यतिथि 13 फरवरी को सत्संग यज्ञ भंडारा के साथ संपन्न हुई। संत गुरु तिलक सेवा संस्थान संत कबीर आश्रम पचखोरा के अध्यक्ष हरि शंकर लाल दास जी ने मीडिया के माध्यम से सभी दूर दूर से आए संत महात्मा एवं जनपदवासी क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को इस प्रोग्राम में भारी से भारी संख्या में सम्मिलित होने पर तहे दिल से स्वागत एवं शुभकामनाएं दी। इस प्रोग्राम में सरकार के सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे माध्यम से किसी भी प्रकार का सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया गया। यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है किस उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो रहा है? और यहाँ जो है संत श्री लाल साहब के पहले जो महात्मा थे संत श्री तिलक साहब जी उपलक्ष्य लगभग कितने स्टेट से आप लोग आए हैं? कहाँ से आप लोग आए हैं? डरिया से, गोरखपुर से, सिवान से, गोपालगंज से, तमाम सब लोग सरकार के। आप कहाँ से हैं साहब जी? सलेमपुर। आप कहाँ से हैं साहब जी? आपका परिचय क्या है संत जी? ग्राम खपतवा जिला गोपालगंज आरा भोर है और खरपतवा का महंत। कितने दिन से आप लोग यहाँ आए? हम कल आए। कल से प्रोग्राम चल रहा है? कितने दिन से प्रोग्राम चल रहा है? चल रहा है। आप कहाँ से आए संत जी? हमारे भट्टी से। अच्छा, ये प्रोग्राम कब खत्म हो जाएगा? कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा? जैसे सुभाष साहेब जी जो इस मठ का संचालन करेंगे और संचालन के निर्देशानुसार समय समय से आप लोग एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। साहब जी, ये जो प्रोग्राम हो रहा है किस उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो रहा है? ये हमारे गुरु की संत गुरु जिला सेवा संस्थान में संत कबीर आश्रम पचखोरा के प्रांगण में हम अपने गुरु जी जो हमारे गुरु जी का नाम संत गुरु तिलक साहेब साहेब है जो कि उनकी ये 16वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और 16वीं पुण्यतिथि मनाने के इस उपलक्ष्य मनाने तिथि मनाने का उपलक्ष्य ये था कि हम लोग असहाय गरीब और गरीब लोगों का गुरु